बंगाल इस बार बीजेपी के लिए वही करने जा रहा है जो 2014 में यूपी ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू हमने आपको कुछ दिन पहले जी न्यूज पर दिखाया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि उन्हें बंगाल की बर्बादी की चिंता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। यूपी के मिर्जापुर में पीएम मोदी ने जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार से खास बातचीत में कहा कि बंगाल के समर्थन से बीजेपी 300 के पार चलेगी। ये चुनाव प्रो इनकमबेंसी वेव है। एक सरकार को पुनः बिठाने के लिए जनता ये चुनाव लड़ रही है। अगर हिंसा होती है तो आप मतलब बीजेपी जिम्मेदार, अगर ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति टूटती है तो बीजेपी जिम्मेदार, अमित शाह के काफिले पर रोड शो पर हमला होता है तो बीजेपी अपने कर्तव्य से, और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रैली है उसे भी रोकने की कोशिश। दिल्ली में बैठे हुए न्यूट्रल लोग भी मांग कर रहे हैं जो हमारे समर्थक नहीं है, वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति को साथ हुआ है, वहां सीसीटीवी कैमरा लगे थे, वो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज तत्काल देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। वहां की सरकार, टीएमसी के गुंडे, वहां के प्रशासन, ये सब एक होकर के लोकतंत्र को दबोच करके फिर से एक बार विजयी होने का इरादा रखते हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की जनता उनके ऐसे कारनामों के सामने झुकने वाली नहीं है। आएगा तो मोदी ही। जब मैंने सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ, इतने प्रकार के नारे लोगों ने बना दिए हैं। ये लोगों का प्यार है, ये बात सही है कि पहले से ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी आएगी, और बंगाल का इतना प्यार बढ़ गया है कि बंगाल हमें 300 पार करवा देगा अकेले बीजेपी को। विरोधी लोगों ने इतना मोदी मोदी कर दिया कि विरोधियों के लिए भी मोदी चुनाव का मुद्दा है, और इधर से जनता के दिल में भी मोदी छा गया है, तो जनता भी मोदी बोल रही है, विरोधी भी मोदी बोल रहे हैं। और 2014 को याद कीजिए, जब बीजेपी ने मोदी की अगुवाई में अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, तब 30 साल के बाद ऐसा हुआ था कि किसी पार्टी को अकेले बहुमत हासिल हुआ। सवाल ये कि क्या 23 मई को जब जनादेश सामने आएगा, क्या लगातार दूसरी बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर एक बार कहा कि बीजेपी 300 के पार सीटें हासिल करेगी। बंगाल से निकलेगा 300 सीटों का रास्ता। बंगाल का इतना प्यार बढ़ गया है कि बंगाल हमें 300 पार करवा देगा। अब की बार 300 पार से सरकार। भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों का आंकड़ा पार करने जा रही है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की तकरार चरम पर पहुंच गई है। देश में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग ने कोलकाता हिंसा पर चिंता जाहिर की और कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रशासन से निष्पक्ष चुनाव कराने में सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन विपक्ष ने एक सुर में चुनाव आयोग के एक्शन को पक्षपातपूर्ण बताया। श्री नरेंद्र मोदी की कोशिश ये है कि बंगाल के मुद्दे को इतना ज्यादा गर्माया जाए कि बाकी सभी मुद्दों से फिर लोगों का ध्यान भटक जाए। आज जब वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल पर एक तानाशाही शासक और उनकी सरकार के द्वारा हमला बोला जा रहा है, चुनाव आचार संहिता अब मोदी जी की चुनाव प्रचार संहिता बन गई। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 300 पार जाने का भरोसा जताया। बंगाल हमें पूर्ण बहुमत से आगे 300 सीटें पार करवा के रहेगा। भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों का आंकड़ा पार करने जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी आखिरी चरण की वोटिंग की तारीख करीब पहुंचते पहुंचते पीएम मोदी को जेल में डालने का तीखा हमला कर रही। बोला इधर फोन करो, सीटों को छोड़कर देश अपना जनादेश सुना चुका है। अब 23 मई को देश फैसला सुनाएगा कि क्या वो मोदी को 300 पार पहुंचाने के लक्ष्य के साथ है या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।